तो 5 घंटे के लिए हम लोग मशरूम भी बहुत ज़्यादा, इसलिए हम लोग अभी ये काम निपटाते हैं। तो उन्होंने कहा भाई वो चीज़ डालो कि जो लाइफ लॉन्ग हो, जो टाइम निकाले, जो अच्छी रहे। तो कीरे तुमने इसको गलत रखा, भैया मर जाएगी। इसके साथ पानी वो चलाओ, फिल्टर वो पंप चलाओ। दो अदद ब्लू लाइन शार्क्स और हम ले आए हैं, अल्बिनो ऑस्कर्स और ब्लैक ऑस्कर्स, ठीक है ना। ये दो ये तो भाई को तरले में इंतजार कर रहा हूँ, मछलियों की जान खतरे में है जो हम लोग लेके आए हैं। और तकीर भाई ऑन कीजिएगा जरा, फाइनल टाइम कैसे ऑन होता। दुनिया में कई तरह की अजीबोगरीब चीज़ें आई हैं, लेकिन ऐसी अजीब चीज़ आपने देखी होगी है माशाल्लाह। अभी मैंने ना सबको ना अंकल रजा का चेहरा मुबारक दिखाया, जैसे अंकल रजा का चेहरा अजीब सा हुआ है ना, साइड पे चला जी, साइड पे जैसे अंकल रजा का चेहरा अजीब हुआ वैसे हमारा एक्वेरियम भी अजीब सा हुआ है। तो इस एक्वेरियम को तकरीबन साफ कर लें, तो आप अपना सर भी महंगी ला रहे हैं, कितनी देर लग जाएगी? मेरे सर की कीमत है। कितनी देर लगेगी इसको साफ करने में? कम से कम 5 घंटे। तो 5 घंटों के लिए हम लोग मशरूम भी बहुत ज़्यादा, इसलिए हम लोग अभी ये काम निपटाते हैं। तो ठीक है, हम मेरे एक काम करें, आप सफाई का आगाज़ करें, लगन आम लेके पाइप ऊपर से लाएँ, पानी से निकालें। मैं तब तक जाके कोई दिन के लिए कुछ नहीं आता हूँ। क्या क्या चाहिए आपको? ब्लू का नाम क्या है? क्लोरीन, एंटी क्लोरीन और क्लोरीन। क्लोरीन एंटी क्लोरीन उसी कहते हैं ना, एंटी क्लोरीन और वो ब्लू क्लोरीन होती है, वाइट वाली और ब्लू वाली। बेटा वो अलग अलग चीज़ें नहीं हैं, उनके नाम अलग अलग हैं, एक ब्लू वाली और एक वो वाली, ठीक है। वो दो चीज़ें लेंगे, एक ही बॉटल लेंगे, दो बॉटल लेंगे, ब्लू वाली दो और वाइट वाली एक लेंगे, ठीक है ना। दो आयोडाइज नमक वो तो आपको ही लेंगे ना, वो तो आपको मसला खुद तक उस पर काफ़ी भरपूर हासिल है। खैर जी, मैं बेगम जब काका साहब जा रहे हैं, जाके जी हम लोग कुछ देखते हैं एक्वेरियम के लिए क्या लेके आ सकते हैं। उसके अलावा हो सकता है कि फिशेज वगैरह भी लाने की कोशिश करें, लेकिन एटलीस्ट की सफाई करते हैं, बहुत बुरे हालात हैं। तो जी बेगम साहब फिशेज देख लो, ये चेक करो कितनी प्यारी है ना, कौन से होते? हाँ ये, लेकिन ये वो है ना, इसको बोलते हैं, ये तो हमारी रखी नहीं जा सकती। ये है ये काफ़ी अच्छी थी, ये बड़ी वाली थी, ये मेरे पास इसका जॉइंट ग्रामी स्टॉक मेरे ख्याल से कम है, बल्कि ना होने के बराबर स्टॉक है, थोड़ी सी फिशेज है, ज़्यादा फिशेज नहीं है, लेकिन चलो जो है उसमें से लेते हैं इंशाल्लाह। क्या कहती हो? फिश लेनी है? कौन सी फिश लेनी है? ऑरेंज चाहिए। ये कौन से कलर की फिश है? ये कौन सा कलर है? फिश नहीं, फिश ही फिश है जी, ऑरेंज ब्लैक और हमने कलर नहीं, हम लोग कॉल कर रहे हैं ना जी। अब अरे भैया थैंक यू, थैंक यू। इधर आए, अंकल को सलाम करें, शेक हैंड करें। बोले कैसी हैं आप? ये जी मेरा साहबजादा उमर भाई, और उमर भाई से तो आप लोग मिले हैं माशाल्लाह। तो ये बस इनसे थोड़ा सामान वगैरह खरीदने का रहता है इंशाल्लाह ताला, बाकी आए हैं यहाँ पे शॉप पे की, तो बस चीज़ें फाइनल कर रहे हैं। उमर भाई फिलहाल जो मशवरा दे रहे हैं, उस मशवरे के मुताबिक चलने की कोशिश करें, क्योंकि मैंने काफ़ी ऐसा एक्वेरियम बंद रखा है, उसकी वजह से उमर भाई कह रहे हैं कि उसमें बैक्टीरिया की कमी होगी, इसलिए आपको बेहतर है कि आप भाई एक एक पेड़ डालो, ताकि आपका एक्वेरियम स्टार्ट हो, उसके बाद फिर आप आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली इसमें चीज़ें बेशक ऐड ऑन करते जाओ, लेकिन फिलहाल आप इसके अंदर ज़्यादा लोड मत डालो, आपका एक्वेरियम का मामला और है। एहतियात तो ज़रूरी है भाई, वो फिर वही बात, उसकी भी जान कीमती है, तो उसकी जान ज़रूरी है। काका साहब भागते भागते आ रहे हैं हमारे पास। काका साहब आप गा कर ले हो, हाय के न, तो पहले हाय कर दो। ये हमारे जी ऑस्कर वगैरह जो है ना, वो पैक हो रहे हैं, ऑस्कर एल्बिनो ऑस्कर और ब्लैक ऑस्कर का एक पेयर, यानी दो दो पेयर इनके डल जाएंगे, उसके अलावा एक दो केमिकल हमने लेने हैं एक्वेरियम के लिए, और बाकी उसके अलावा वी आर सेट टू गो, घर चलते हैं, घर चल के सफाई वगैरह करते हैं एक्वेरियम की, और उसके अंदर फिर अपना ये जानवर वगैरह अपने जो शिफ्ट करते हैं इंशाल्लाह ताला। अमीर और तकीर लगे होंगे सफाई करने फुल धड़ाधड़। तो बाकी आप लोगों ने अगर आना हो भाई, तो ये माशाल्लाह भाई के हमारे जो दोस्त हैं उमर भाई, इनकी शॉप है यहाँ पे, ये जो इसको LOS रोड कहते हैं ना उमर भाई, LOS रोड पे फिश मेनिया के नाम से है। उमर भाई दी ग्रेट हैं, इनके पास आए, बड़ा अच्छी चीज़ें हैं, क्वालिटी क्वांटिटी ये देखें, मुझे उन्होंने खुद अप फ्रंट उन्होंने गाइड किया है। चाहते तो मुझे कह सकते थे भाई इतनी ये डाल ले वो कर ले ऐसे कर ले, लेकिन नहीं, उन्होंने कहा नहीं भाई नुकसान नहीं करना, दोस्ती एक अपनी जगह, लेकिन कस्टमर एक अपनी जगह, और तीसरे नंबर पे इस मछली की ज़िंदगी अपनी जगह। उन्होंने कहा भाई
वो चीज़ डालो कि जो लाइफ लॉन्ग हो, जो टाइम निकाले, जो अच्छी रहे। इस हिसाब से जो उन्होंने मशवरा दिया था वही करेंगे इंशाल्लाह। चीज़ जो है वो लिमिटेड ही लेंगे फिलहाल तो। हाँ जी बेगम साहब, और कुछ खाना लेंगे? खाना का पैकेट ले लिया छोटा, बस ठीक बस। चलें और कलर्स कौन से? ब्लू कलर, वो क्लोरीन, वो भाई कह रहे हैं कि वो ना डालो, ब्लू वाला कलर ना डालो, कह रहे हैं क्लोरीन सिंपल डालो, कह रहे हैं लाइट आपकी एक एरिया में जो लगी मैंने बताई उसको अच्छी, वो कह रहे हैं लगी है, कह रहे हैं उनको लाइट को जलाओ ना, आपको जरूरत नहीं पड़ेगी बिला वजह वो जाया करने वाली बात है। उमर भाई थैंक यू सो वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया उमर भाई। मैंने आपको उमर भाई डिटेल मैंने बताई हैं और मैं आपका जो नंबर है वो इंशाल्लाह नीचे उसमें अपना जो चाय जो डिस्क्रिप्शन होती है उसमें मैं डाल दूंगा, इंशाल्लाह कोई ना कोई आपसे जरूर रब्ता करेगा। थैंक यू सो वेरी मच उमर भाई, अल्लाह हाफिज। क्या ये लेना है? ये क्या करना आपने? बेबीज पुट इट बैक, मॉस पुट इट बैक, पुट इट बैक, शाबाश शाबाश शाबाश, That's my son. बहुत अच्छा बेटा मेरा माशाल्लाह, देखा मेरी कितनी बात मानता है। जो मेरे दोस्त है बाप देख लें, हैं एन बी है फरमा बरदारी। ये बच्चे जो है ना इन्होंने खेलने का कुछ इरादा बनाया हुआ है, ये अपनी गेम खेलेंगे और मैं जा रहा हूँ अंदर। नहीं अंदर काम है, मुझे अंदर काम है, फिर मुझे अंदर काम है। शाहजी मेरी बीवी मुझे बुला रही है, मुझे उसकी खिदमत करनी है अल्हम्दुलिल्लाह। आपकी तरह थोड़ी है, और डर गया आई, और डर गया आई, देख रहे हो बंदा, और डर गया आई। मिलते हैं इंशाल्लाह कल। डर गया आई, डर गया आई, हां और डर गया। ये जी आज के बाद इसका नाम है राजा रमीज, डर गया आई। होए 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 होए, ये देखिए जी फुल टाइम कमरे में गंद पड़ा हुआ है। वो किधर गया अपनी फिश? किधर गई तुकीर भाई? जो ये तुकीर, तुमने इसको गलत रखा भाई, मर जाएगी। इसके अंदर पानी वो चलाओ, फिल्टर वो पंप चलाओ। पंप ही नहीं है, बड़ा पंप चला दो। पंप है लेकिन वो दूसरा वो स्ट्रिप नहीं है। क्या मतलब यार, इसको किस तरीके से चलाओ, इस तरह मर जाएगी, ये खतरनाक है, मर जाएगी, मुझे पता नहीं मर जाएगी। चलाएंगे कैसे वो? उसके अंदर कुछ ना कुछ चलाओ, चलाओ बहुत जरूरी है, इसके विदाउट उसके कुछ भी बहुत काम खराब है। पाइप कैसे लगा? बताता हूँ अभी आपको, दो मिनट में बताता हूँ। ये तकीर भाई ने जी माशाल्लाह इसमें पानी में वो डाल दिया, सर्फ डाल दिया है और अब इसके अंदर से दिलवाई जो है ना वो फाइनली शुरू हो चुकी है। अल्लाह अल्लाह करके तकीर भाई को तरले में इंत कर रहा हूँ, मछलियों की जान ख़तरे में है जो हम लोग लेके आए हैं। अल्लाह करे जी टाइमली हो जाए और ये जल्दी जल्दी मछलियाँ हमारी शिफ्ट हो जाए इंशाल्लाह ताला। ये बचपन में शटापू खेलते रहे हैं, वाह 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 क्या बात है। आपका भाई जो ऑफिशियली टिकटॉक पर भी आ चुका है तनसीर डॉट अजमत, उसने शायद मेरा वो एट द रेडियो होता है वो नाम जो है वो है, और वैसे भी तनसीर अजमत उसके ऊपर जो मेन नाम है वो यही आएगा। एक वीडियो आपके भाई ने पोस्ट की है अपने कज़न की नात की, तो खैर देखते हैं अब क्या टिकटॉक से रिजल्ट मिलते हैं इंशाल्लाह। तो बकाया ये है कि एक्वेरियम की सफाई बस चल रही है इंशाल्लाह, थोड़ी देर में फाइनलाइज जो भी मामला रहता है वो दिखाते हैं। One eternity later. तो कोई मैंने पहना नहीं हुआ लेकिन चेक कर दीजिए, अब हमारी ग्रेवल फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह स्पॉट में डलने लगी। चलो जी डालो ये एक्वेरियम के अंदर। ओए होए 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 होए, आपके भाई को चक्कर आ रहे हैं, यानी कि कमजोरी जो ब्लड दिया ना बेगम साहिबा को उसकी फील हो रही है आज। ओए ओए आपका भाई ये झूम रहा है, यूँ झूम रहा है, यूँ 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 झूम रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। तो बस खैर जी ग्रेवल वगैरह डालने लग पड़े, उसके बाद पानी डलेगा, उसके बाद हम इसमें मछलियाँ जो लेकर आए वो इनसे शिफ्ट करेंगे, वो भी आपको दिखाएंगे इंशाल्लाह। थोड़ी देर बस इंतजार करें, बड़ा मजा आने वाला है इंशाल्लाह ताला। ये जो ग्रेवल है टोटल इसका कितना वेट होगा जरा मुझे कमेंट में बताओ, कितनी ग्रेवल आप लोगों के हिसाब से होगी, एक रफ आइडिया बताओ। हाँ जी क्या देंगे? सलामी 500 क्या देंगे तो मैं बताती हूँ। नहीं सॉरी मैं नहीं दे रहा, 500 गिर गया, गिर गया। We'll be right back.
अंदर हमारा एक्वेरियम जी आला किस्म का साफ हो चुका है माशाल्लाह। ये चेक करिए ऊपर से, आपको दीदार करा रहा हूँ पूरे एक्वेरियम के, चेक करें। और तकीर भाई ने काफी बड़ी मेहनत की थी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, दफा हो जाए आप इस। लेकिन तकीर भाई दफा होने से पहले एक बात करें, वो जो क्लंप होता है ना, क्लंप लेके जो इस पाइप पे लगे, बेसिकली ना वो जो वॉशरूम का पाइप है यार, इसके ऊपर जो पाइप को टाइट करने के लिए होता है, वो क्लंप एक ले आओ, वो इससे हमारा काम साफ करना इस तरह याद करेंगे। फिलहाल भाई जान मछलियाँ जो अपनी वो शिफ्ट करें इसके अंदर, इससे पहले कि बेचारी को मछली मर मुर जाए। ले जाए हम शिफ्ट करने लगे, अल्लाह का नाम लेके बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो जी, हाल है? ठीक हो ना? तेरे लिए तकरीबन हम लोग क्या क्या लेके आए, ये देखो, दो अदद ब्लू लाइन शार्क्स और हम ले आए हैं, और सिल्वर लाइन नजर आ रही है, सिल्वर लाइन वगैरह कुछ नहीं लेकर, ब्लू लाइन लेके आए। तो फिर इसको ना, नहीं यानी कि परेशान होगी, हाँ टेंशन में हो गई, इसका मतलब ये अल्लाह खैर करे यार, परेशानी कोई ना हो। मैं वैसे क्या लुक निकल रही है, कमाल हो गया, शीरिया मबत ओ एक बीच में रह। चलो जी, तीन ब्लू लाइन शार्क्स की शिफ्ट हो चुकी है हमारी अल्हम्दुलिल्लाह। गाइस ये आपको भी सिल्वर कलर की नज़र आ रही है, अभी ब्लू हो जाएंगे अल्लाह के हुक्म से, परेशान नहीं होना। ओए होए होए, ये तो उधम मचा रही है। अल्बिनो ऑस्कर्स और ब्लैक ऑस्कर्स, ठीक है ना, ये दो, ये तो बहन उसमें अल्बिनो परिंदों में भी आती है, आते हैं ऑस्ट्रेलियन में आता है। अब ये जो है ना, ये माँ जी की फेवरेट है, लेकिन माँ जी की जो फेवरेट, ओए ओए पानी का शॉपर होता है, खुल जाते चारों मछलियाँ। ये सारी मछलियाँ हमारी आ गई, हम ये तो खा रही नहीं, कोई खाती अभी, वो बहन गोल्ड फिश लाने का बड़ा दिल कर रहा है, अभी उनको थोड़ा सीधा पतला होता है, अभी बेचारी घबराई हुई है, पानी कम है उनके हिसाब से और मछलियाँ ज़्यादा हैं हमारी फिलहाल पानी के हिसाब से। खैर पानी अमीर, तो खीर मैं अमीर, अमीर अमीर कहाँ पे है? अमीर भी बाहर है। पपन जल्दी आ, जा यार पानी का पाइप लगा, ओके सुखो के इतना पानी भरेगा, तब तक पानी भरें भाई जान। ये एंटी क्लोरिन जो लेके आते हैं ना, उसको डाल देते हैं, एहतियातन इसको डाल देते हैं, क्योंकि मछलियाँ हमने तकरीबन क्या बल्कि सारी मछलियाँ हमने इसमें डाल दी हैं, तो ये इस दवाई को डाल देते हैं। ब्लू वाली दवाई जो थी वो भाई ने कहा कि यार इसका कोई फायदा नहीं है, बिला वजह आप मतलब क्लोरिन सिर्फ डाल, उन्होंने कहा क्लोरिन डाल लो, अगर डाल दिया दैट से उसके अलावा कुछ नहीं डालना, तो उसको डालते हैं। तैयार हो गया माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह जी, पानी पड़ चुका है, लेकिन एक और मसला छोड़ था आपको एक बात बताता चलता हूँ भाई जान। बेसिकली ना अभी हमने जो बड़ा वाला जो पंप ना मारा, मैं आपको पंप ही दिखाता हूँ, तकरीबन पंप का मारा बड़ा वाला, ये कंप्रेसर है, पता नहीं यार नीचे भी बड़ा तकरीबन भी निकाल के जाते हैं, कंप्रेसर जो होता ना बड़ा हमारे स्पेरिमेंट वो लगा, लेकिन अभी कंप्रेसर हम चलाएंगे क्योंकि हमें सिर्फ दो वॉल्व चलाने हैं, तो वो दो वॉल्व के लिए ये मोड़ दे देना भाई, ये जो ऊपर लगा हुआ ना ये छोटा सा ये पंप आता है ये लगा हुआ, देख रहे हैं बीच में बबल स्टार्ट हो गए, इससे इसको ऑन किया है, दोनों साइडों पर बबल्स चल रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा अब दूसरे नंबर पे, अभी हम इसकी लाइट नहीं ऑन कर पा रहे क्योंकि हमारे पास ये आपको दिखाता हूँ कि ये हमारा जो ये स्विच है ये वाला है, और हमारे पास इसका जो है कनेक्टर था वो नहीं है, कनेक्टर जो है वो ढूंढते हैं थोड़ी देर में, तकलीफ में ड्यूटी था कि कनेक्टर ढूंढे ताकि इसको हम ऑन कर सकें। अंधेरा फिलहाल तो आपको नजर नहीं आती सही तरीके से, वो देखें ये जो ऑस्कर्स चारों हैं वो ये माशाल्लाह घूम रही हैं, वो देखें ब्लू लाइन शार्क्स दो ये हैं, एक पता नहीं किथे है, एक पता नहीं किधर है, वो कहीं बैठी है शायद साइड में कहीं बैठी होगी, तो खैर ये शिप्स वगैरह जो है इनके अंदर मछलियाँ से बैठ जाती हैं, तो बस ये इनके अंदर बैठी होंगी, बाकी अब इंशाल्लाह ये मतलब चालू हो जाए फंक्शन हो जाए प्रॉपर तरीके से, तो उसके बाद ये कि हम लोग इसमें और चीज़ें ला के डालते रहेंगे आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह ग्रेजुअली, क्योंकि जो बंदा जिस बंदे ने मुझे आज गाइड किया ना फिश वाले भाई उमर भाई, उनकी लिंक डिस्क्रिप्शन में उनकी मतलब उनके डिटेल नंबर वगैरह आपको नीचे मिल जाएंगे, उन्होंने यही गाइड किया कि भाई यकदम सब कुछ नहीं करना, क्यों, क्योंकि फिर दूसरी मछली को थ्रेट होता है, हर मछली आपकी मर सकती है, आपका लॉस ज़्यादा हो सकता है, तो लॉस का मसला नहीं है, मसला ये कि भाई इनकी कीमती जान है, इनकी जान जाएगी तो वो धोखे वाली बात है, इसलिए बस अब बेगम साहब भाई देख रहे हैं सफाई करने लगी हैं और हम बैठेंगे थोड़ा सा, मैं वीडियो एडिटिंग करूँगा और मेरा हाथ थक गया है, थोड़ी देर बाद आपको मिलता है इंशाल्लाह। A few moments later. फिर भाई ऑन कीजिएगा जरा फाइनल टाइम कैसे ऑन होता है। माशाल्लाह सुभानअल्लाह, तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमतों को जुटाओगे। एक छोटा सा जो मसला हमारा ये रहेगा एक्वेरियम के अंदर भाई जान, ये पाइप जो था ना ये असल में इस ब्लैक पाइप के अंदर से होते हुए गुजरना था जो कि नज़र भी नहीं आना था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली तो खीर भाई भूल गए इसको अंदर से करना, ग्रेवल हमने डालना शुरू कर दी तो इसको हम अंदर से नहीं कर सके, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जब सफाई करेंगे जल्द जो कि होगी तो इंशाल्लाह इसको भी हम सेट कर देंगे।
बेगम ये छोटा वाला पंप लगाओ ना, वो बड़े वाला कंप्रेसर लगाओ तो फिर शोर बहुत ज्यादा होता है। देखें जी माशाल्लाह मछलियां आपको क्लियरली नजर आ रही होंगी, ये हमारी दो ब्लू लाइन शार्क्स हैं, एक हमारी बड़ी ब्लू लाइन शार्क पता नहीं वो किधर है मुझे नजर नहीं, ये बड़ी वाली है, एक को था यहां से भी चोरी करके ले गए। हां जी काका साहब, और बाकी ऑस्कर्स वगैरह अल्हम्दुलिल्लाह घूम फिर रही हैं खूबसूरती आप देख। हां ये ऑस्कर्स है ना, एल्बिनो ऑस्कर्स और ब्लैक ऑस्कर्स हैं जी। बेगम साहब बताएं, आप साइड पे प्लीज देखेंगे। देखें जी बेगम साहब ने मुझे साइड पे कर दिया, नहीं मेरा कहने का ब्लड लेने के बाद भी, ओए हां जी, ओए हाय हाय, ब्लड लेने के बाद, हां जी हां, खून लेके तो उसने साइड भी किया। थोड़ी देर पहले जिक्र कर रहा था ना कंप्रेसर होता है, तो कंप्रेसर ये होता है जी, इसको बोलते हैं कंप्रेसर। तो इसके साथ ना ये लगता है एक्वेरियम्स के ऊपर, और इसमें फिर वो जो है ना ये देखिए यहाँ पे ये पाइप लगा हुआ था जी, 12 होल्स वाला सही हो गया। खैर जी इसने अलहमदुल्लाह अभी तक थोड़ा अच्छा साथ दिया, लेकिन अब चूंकि हम लोग मिडल में स्ट्रिप्स कोई भी नहीं चला रहे, सिर्फ एक ये वाली स्ट्रिप चला रहे हैं और एक ये वाली स्ट्रिप चला रहे हैं, तो इसलिए फिर हमें ज़रूरत नहीं है, शोर भी इसका ज़्यादा नहीं, इसकी सफाई भी नहीं, इसकी सर्विस भी करवानी इंशाल्लाह हो सकता है कल मैं इसको लेके जाऊँ, जाके इसकी सर्विस करवा के लाऊँ। तो बस ये अलहमदुल्लाह जी फाइनल हमारा एक्वेरियम हो चुका। हाँ एक और चीज़, मैं इसकी फूड मछलियों के लिए मैं लेके आया था एक नया पैकेट ये वाला, तो फूड इनको डाल देते हैं और बकाया कुछ पुरानी फूड भी है वो भी आपको दिखाता हूँ वो कौन सी मेरे पास फूड पड़ी है, तो वो भी मिक्स करके इन दोनों को तो वो डाल देते हैं, मछलियाँ खुश रहेंगी उम्मीद है इंशाल्लाह, दोनों एंजॉय करेंगी दोनों वाली फिश फूड्स को। पुरानी जो फूड हमारे पास पड़ी हुई है, ये पहले की फूड पड़ी हुई है, ये ड्राइड झींगा, ये वो है गालिबन झींगा फिश है ना, ड्राइड झींगा है, तो ये और वो दोनों मिक्स करके डालते हैं इंशाल्लाह। अभी ये हमने जी होल्स बनाए हुए हैं, ये इधर भी है, ये भी है और एक वो आगे भी है, तीन होल्स हैं ये वाले और आगे पीछे और भी हैं, वैसे तो उधर आगे उधर भी, और तीन वहाँ पे भी हैं, लेकिन दो हैं पीछे, दो हैं और आगे तीन हैं, ये हवा के लिए और उसके अलावा फूड डालने के लिए होल्स हैं। खैर ये वाली डालते हैं, तकरीबन देखिए ज़रा बहुत ज़्यादा हो गया, कोई बात नहीं कोई बात नहीं कोई बात नहीं, इतना बड़ा इशू नहीं है, नहीं होती मारी बीमार इंशाल्लाह बेफिक्र रहे हैं। ये अलहाज मक्की तंसीर बास ने अपने हाथों से डाला है, चलो खाना भी डल गया जी मछलियों को अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा काम हो गया। हमारी मछलियाँ जी एक्टिव हैं, ये एक मछली थोड़ी सी ढीली हुई हुई है, तो उम्मीद है इंशाल्लाह ये अब सांस ले रही है प्रॉपर सब कुछ है, लेकिन सिर्फ थोड़ी ढीली है, उसकी वजह यही है कि यार आज के दिन की जो थकावट है ना ये बहुत ज़्यादा होती है, और मछलियाँ ऑब्वियसली हम लोगों को भी ऐसी थकावट हो जाती है, क्योंकि सुबह से लेकर हम लोग तो जी अब ये शाम का टाइम हो गया, अच्छा खासा तकरीबन 5 घंटे तकरीबन लग गए ये टोटल काम करने में, तो ऑब्वियसली मछलियाँ भी 5 घंटे उसमें से मेन से बाहर रहती हैं जी, तकरीबन क्या निकला इसमें से फिल्टर जाल, और तकीर मुझे पता क्या कह रहा था, इसमें कोई फिल्टर नहीं है, इसको फिर बंदा फिर कहता बूटा काला करता है। One hour later. ये प्लांट जी तकीर भाई लेके और काका साहब देखें कितने गौर से मछला देख रहे हैं प्लांट्स को, देखिए मछलियाँ हमारी कितनी प्यारी लग रही हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और वो पीछे ब्लू लाइन शार्क्स भी घूम रही हैं, और काका साहब को तो ऑब्वियसली सब कुछ चाहिए जी, बाय बाय करो फिशेज को, टाटा करो फिशेज को, फ्लाइंग किश कर दो, ओए हो फ्लाइंग किश हो गई जी, ओए हो जी वहाँ फिश कह रही है डैड मेरे हैं, पांड तो है लेकिन फिश कह रही है डैड मेरे हैं, फिश मेरे के डैड पांड। एक्वेरियम की आपने सफाई पूरी देखी, और मैं आपको एक छोटी सी बात बताता चलता हूँ कि मैं दुनिया का लार्जेस्ट एक्वेरियम जो कि दुबई में है, दुबई मॉल में है, मैं वहाँ पे गया हूँ, मैंने उसकी भी वीडियोस तस्वीरें मेरे पड़ी हुई हैं, तो मैं उस एक्वेरियम के अंदर इवन उसके अंदर आप जाते हैं नीचे, मतलब नीचे से भी एक रास्ता है इवन कि आप उसके अंदर भी जाते हैं, लेकिन उसके लिए वो तरीके का कुछ और होता है, तो वो हम लोगों के पास इतना टाइम नहीं देता कि हम लोग वो करते हैं, लेकिन अदरवाइज़ हम लोगों ने सारा कुछ वहाँ पे किया, वो उसको सफाई करने में कितना टाइम लगता है वो सोचें ज़रा, उसकी सफाई नहीं होती, उसकी बिचों बिच सफाई होती जड़ी भी होती है, पेंडू मेरे पास पीछे खड़ा चार रुपये के साथ। खैर जी तोहफ़त ना जितने कितने लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें यार, अपना बोलता खैर के तो हम याद रखें, इंशाल्लाह बशरते ज़िंदगी का लाजमी मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़ और रात बख़ैर।